सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि महोदय, सभी सम्माननीय शिक्षक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। एक शिक्षक होने के कारण मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उनका जो दिवस है जन्म दिवस शिक्षक दिवस, तो विद्यार्थियों का प्यार और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 ईस्वी में मनाया गया था। किसी भी क्षेत्र में एक किसी इंसान की सफलता के पीछे उसके शिक्षक का हाथ निश्चित होता है। आज हमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों, राजनीतिक पदों में विभूषित गौरवशाली सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उनके शिक्षक गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर रहा है। शिक्षक एक विचार देता है, इसके बाद विद्यार्थियों में जितनी श्रद्धा होती है, इच्छा होती है, वह उतना सीखता है अपने लगन के अनुसार और उसका अपने जीवन में प्रयोग करता है। हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है, इसलिए हम अपने माता पिता के प्रति हमें हमेशा समर्पित रहना है, उनके उम्मीदों, विश्वास, भरोसे को बनाए रखना है। और जब भी ज़रूरत आए माता पिता के सम्मान की हो, रक्षा की हो, या बुढ़ापे के समय विशेष ज़रूरत हो, उस समय सभी को बढ़ चढ़ के अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए खुला आसमां होती है, करुणा एवं प्रेम से भरी पूरा जहां होती है। विद्यार्थियों के माता पिता और उनके शिक्षक ही उन्हें निस्वार्थ भाव से हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यदि विद्यार्थियों के अंदर अनुशासन, विनम्रता, अच्छा चरित्र, समर्पण एवं सहयोग का भाव है तो बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। महान कवि हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां मैं पेश करूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप विद्यार्थियों की नई प्रचंड ऊर्जा, उत्साह को देखकर विश्वास किया जा सकता है कि आप अपने चिंतन की विशिष्ट धारा से अपने समाज एवं दिशा को नई सोच देंगे, दिशा देंगे। आप इस बात को साबित कर दीजिए कि हम युवा देश की ताकत हैं, हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मेल का पत्थर मानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये समाज सहस्त्र वर्षों तक। इस नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, इस नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। शिक्षा का सही अर्थ क्या है, मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का समर्थन करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक शिक्षित नागरिक और उसका क्या फर्ज होता है, उन्होंने बताया था कि केवल जानकारी हासिल करना ही ज्ञान नहीं है, एक एवं मानव होने के नाते
शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना है, उसमें मानवता का भाव भरना है, मानवता का एहसास कराना है एवं सुख दुख में सभी की मदद करना है। जो व्यक्ति गरीबों, असहायों, पीड़ितों, जरूरतमंदों के बारे में सोचेगा तो उसे मैं महात्मा कहूँगा, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित होकर भी इनके बारे में नहीं सोचता वह देशद्रोही के समान है। स्वामी जी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा संदेश दिया था कि उठो, जागो, आगे बढ़ो एवं तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो जाए, और साथ में तोड़ दो ऐसी सभी जंजीरों को जो मानवता के रास्ते में बाधक बनती हैं। अंत में मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा।